losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hi everyone, just a visit to you all. Hope everyone is fine right now. कैसे हैं आप सब? Guys, कैसे हैं आप सब? So yeah, right now is the time for informal talk. And today we are going to the discussing the chapter that is the chapter. कौन सा chapter? Living world. तो living world है यार. एक easy सा chapter है, छोटा सा chapter है. इसको हम लोग फटाफट खत्म करेंगे. ठीक है? मुझे time थोड़ा लग गया क्योंकि यार मैं current syllabus कर रहा था. और अभी मैंने मतलब माइंड मैप तैयार नहीं किया था और जो मेरा शॉर्ट नोट होता है मैंने शॉर्ट नोट तैयार नहीं किया था तो इसी कारण एक घंटा मतलब लेट हम लोगों ने लिया. मेरा ब्रेक जब हुआ उसके बाद एक घंटा मैंने टाइम टेकन किया माइंड मैप और शॉर्ट नोट तैयार करने के लिए. ठीक है? तो अब मेरा माइंड मैप और शॉर्ट नोट मैंने लिविंग वर्ल्ड का तैयार कर लिया है. ये बस एक पेज का यार माइंड मैप है और शॉर्ट नोट है. मैं इस माइंड मैप की सीरीज को यार मतलब मेरी राइटिंग तो यार शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगी लेकिन अब मैं माइंड मैप बनाने का सोच रहा हूँ. और मैं क्या करूंगा ना, मैं अंकित भाई को एक टास्क मैं दूंगा. इस टास्क को, इस माइंड मैप को आरंभ है की तरफ से मैं बनवाकर ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करवाऊंगा. मतलब मैं बना बनाकर उनको भेजूंगा और उनकी राइटिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है उनकी राइटिंग. ठीक है? और वो कॉलेज स्टूडेंट है तो लिखने की भी उनकी आदत अच्छी है. तो दो दो पेज की पर चैप्टर का यार माइंड मैप आएगा. तो कैसे हैं आप सब? या नूर, हेलो नूर, स्वीटी, गोहन, सबको हेलो. अब यार मौसम भी थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दे रहा है तो अब मैं ठीक हूँ. मेरा तबीयत नहीं सही था यार लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आज लिविंग वर्ल्ड को हम समाप्त करेंगे फटाफट से तेजी में. मेरा तीन पेज में है, तीन पेज भी ठीक है स्वीटी, उसका अपने अकॉर्डिंग लिखे हुआ ठीक है लेकिन मैं जितना छोटा से छोटा हो जाए ठीक है मैं भेज दिया करूंगा. ठीक है? और हाँ माइक का भी है अंकित, तो माइक भी आप अंकित देख लीजिएगा. ठीक है? कौन कौन रैंकर टेस्ट सीरीज में? दूर पूछ रही कौन कौन सर, कौन कौन रैंकर टेस्ट सीरीज में लॉटेड है. ठीक है? कौन कौन है बताइए इनको. ठीक है? सैली, माइक आई नो दैट कि थोड़ी अजीब, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है? थोड़ा मतलब ये मेरे एंड से ही प्रॉब्लम है, ये जान रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कुछ दिन की दिक्कत है. मैं जल्द से जल्द, यार माइक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जो एक सस्ता सा माइक मैंने देखा है. ठीक है?
तो उसको मतलब मैं करूंगा ऑर्डर, थोड़ा सा उसको स्टॉक में आप आने दीजिए। चलो ठीक है, तो हम लोग सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फिर एंडिंग करेंगे। अभी बहुत काम है, फिर आज भी यार सब कुछ स्टडी भी करना है। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ाई, सॉरी, लिविंग वर्ल्ड में हम लोग डिस्कस किस किस चीज पे करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या होगा। ठीक है, इन चीजों को हम लोग मतलब एक बार देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? Losing time सॉरी before सॉरी it सॉरी सॉरी, मैं fast, I इसको just ट्राई wanna करता make it last, try to गलती से let go फिर of the past, I close my eyes and face the मुझे past, दबाना क्या this चाहिए nights और I दबाना क्या stuck, restlessness to hell and back, what's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack, and some चलो तो ठीक है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में यार तीन चार टॉपिक है, तीन चार टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, बात खत्म। ठीक है, टॉपिक क्या है कि एक सबसे पहले लिविंग है तो किस लिए है, क्यों है। ठीक है, जैसे उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक है, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। बायोडाइवर्सिटी टेक्सोनॉमिक क्या है कि ऑल टेक्सोनॉमिकल एड्स, बस इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है। तो चलो सबको लिखना स्टार्ट करो। क्या ग्रोथ इज ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे क्या कि ग्रोथ ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, फटाफट से। या श्रेया, हेलो श्रेया, कैसे हो? तो सबसे पहला यार एस्पेक्ट हम लोग का ये देखना है कि ग्रोथ तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है। बिल्कुल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ यार डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, और क्या एनिमल्स में हम अंश मतलब हमेशा के लिए ग्रो हो सकते हैं? क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स हमेशा के लिए ग्रो हो सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, कभी नहीं हो सकते हैं, एक सर्टेन एज तक ही हम लोग ग्रोथ हो सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आप बताइए फटाफट। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रेया होप देयर कि आप भी अच्छी होंगी एंड आपका पढ़ाई बेहतर चल रहा हो। तो श्रेया को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, श्रेया को अपना कॉलेज मिल चुका है। ये मतलब लखनऊ, लखनऊ से आई थिंक लखनऊ प्रयागराज यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही है। ठीक है, तो इनको भी बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सब कुछ जुड़ गया। नूर, जिया, स्वीटी, मास एंड द नंबर ऑफ सेल। ओके, नंबर, मास एंड द नंबर ऑफ सेल। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर आ गया। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इज मंथ एंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, और प्लांट में इनफाइनाइट ग्रोथ क्या पॉसिबल है? प्लांट में इनफाइनाइट ग्रोथ क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है, एनिमल में ग्रोथ एक पार्टिकुलर एज तक ही होता है। ठीक है, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक्सक्लूसिव इवेंट है कि इंक्लूसिव इवेंट है? जल्दी बताइए, एकदम तेजी में समाप्त करेंगे हम लोग। एंड जो भी चैनल पे न्यू होगा इस, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम टेबल देख लो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग का स्ट्रीम चलेगा। और डिस्कशन जिस दिन रहेगा उस दिन हम लोग डिस्कशन बता दिया करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ रीजन में। ठीक है, नूर का भी आंसर सही था, यस ड्यू टू मेरिस्टिज्म। स्वीटी का भी आंसर सही था, ठीक है, जिया का भी सही था। नॉट नॉट एक्सक्लूसिव, इट्स इंक्लूसिव। सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज द इंक्लूसिव इवेंट ऑफ द लाइफ। आई थिंक गौन से गलती से लिख गई, एक्सक्लूसिव कैसे है जिया? एक्सक्लूसिव है कि मैं गलत हूं? यार इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव इन मल्टी सेलर। या बिल्कुल, हाँ, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ सॉरी यार, मैं भी तो यार बेवकूफ इंसान हूँ ना। ठीक है, मुझे भी तो यूनिसेलर इंक्लूड करना है। यूनिसेलर में एक्सक्लूसिव इन मल्टी सेलर, आप सही लिख रहे हो, यूनिसेलर में ये इंक्लूसिव इवेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट यार, सुपर। तो यार सबको ये आंसर पता है, मुझे पता है, गौन को भी पता है, स्वीटी को भी पता है। ठीक है, लेकिन पहला आंसर नूर के तरफ से एकदम समझा कर रहा है, एक्सक्लूसिव इन मल्टी सेलर एंड इंक्लूसिव। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट सुपर।
ओके, एक्सक्लूसिव। या जिया 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 एक्सक्लूसिव है भैया, आई नो दैट एक्सक्लूसिव है, बट मल्टी सेलर में, बट मैं यूनिसेलर के एक्सपेक्ट में बोल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, बिकॉज यूनिसेलर में इट्स नॉट पॉसिबल डिफरेंशिएटिंग लाइफ साइकिल। गोहन आप भी सही कह रहे हो, या यूनिसेलर में इट्स नॉट पॉसिबल डिफरेंशिएटिंग लाइफ साइकिल। नहीं, सही है यार, कॉमन इंक्लूसिव इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग चर्चा करते हैं, पहले मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। देखो क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा ग्रोथ में, तो ग्रोथ में कहां से बन सकता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास ट्विन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा, मतलब बस एक यहीं से ग्रोथ में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, पीवाई क्यूब में है और मैच द कॉलम में है। दूसरा आपको रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बताइए क्या है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर नहीं है, तो जी बिल्कुल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, क्यों रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ये आप लोग बताइए। सॉरी, डिफाइनिंग फीचर वही, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो क्यों नहीं है आप ये बताइए फटाफट से। और देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, जो जो टॉपिक टॉपिक याद आएगा मैं बोलते चलूंगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन जो है ना वो ग्रोथ का साइनोनिम सी है, मतलब रिप्रोडक्शन ग्रोथ उसमें हम लोग एक ही तरह से लेकर चलते हैं, एक ही तरह से लेकर हम लोग मूव करते हैं। ड्यू टू इनफर्टिलिटी इन दिस सॉन्ग म्यूल हनी बी वॉकर हनी बी, ठीक है, हिनी या ठीक है, कॉज म्यूल्स वॉकर बी ह्यूमन स्ट्राइल कांट रिप्रोड्यूस या दैट्स क्रिएट सुपर। ठीक है, आई थिंक इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जल्दी एक ये भी आप लोग आंसर दे दीजिए सही है। फंजाई, उसके बाद फंजाई के बाद और कौन कौन सा है, फंजाई हो गया आपको, उसके बाद बडिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में क्या देखने को मिलता है, आई थिंक प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन, बडिंग हाइड्रा में देखने को मिलता है हम लोग को, ईस्ट में भी देखने को मिलता है फंजाई, एसेक्सुअल मतलब बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से अब आप लोग समझ गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बाद सीधे आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद सेलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बताइए, मेटाबॉलिज्म है या फिर नहीं है डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी घटना है इनविट्रो वाला, तो इनविट्रो के भी बारे में आप लोग जो जो जिसके माइंड में आ रहा है फटाफट से लिखिए, क्योंकि इनविट्रो अगर हम किसी से डायरेक्ट पूछ दे, मतलब मेरे से भी कोई पूछ देता, ठीक है, तो क्लियर यार बहुत लोगों को नहीं होती है और नहीं होती थी, तो एक बड़ा प्यारा घटना है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में वहां पे बहुत बार कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि आखिर मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर में रख रहे हैं, बट यार विट्रो तो लिविंग थिंग्स नहीं है इन विट्रो, तो फिर भी हम डिफाइनिंग फीचर में क्यों रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। या स्विटिंग डिफाइनिंग फीचर, सैली डिफाइनिंग फीचर, एवरीवन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नूर डिफाइनिंग फीचर, गोहन डिफाइनिंग फीचर, ओके, जिया डिफाइनिंग फीचर, हाँ, ठीक है, सबके आंसर आ गए। सुपर एवरीवन, सुपर 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 सुपर, इन विट्रो में रिएक्शन और लिविंग जाइम की, ओके ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो जैसे इन विट्रो नॉट अ लिविंग थिंग्स बट इट इज लिविंग रिएक्शन, ओके, सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, एंड इनूर का आंसर सही है, रिएक्शन और लिविंग इंटरेस्टिंग, ओके गॉन, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुरु का भी आंसर सही है, सुपर एवरीवन। चलो, तो अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिफाइनिंग फीचर, यार तो बिना सेल के यार कैसे, मतलब कुछ परिकल्पना ही नहीं हो सकती, तो सेल इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ। ठीक है, एंड बस हो गया, इतना ही जानना है। उसके बाद कॉन्सियसनेस, तो कॉन्सियसनेस है या फिर नहीं है ये बताइए, कॉन्सियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट। कॉन्सियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर और नॉट, कॉन्सियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर और नॉट, यस कॉन्सियसनेस है, ठीक है, गॉन का आंसर राइट है, जिया, नूर, स्विची, आलमगीर,
ओके सबका सब कोई पार्टिसिपेट करो यार। एंड इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल गाइस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम टेबल देख लो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम हम लोग का चलेगा। जिस दिन रिविजन होगा उस दिन पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है? यस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ब्रेन डेड वाले स्थिति में, ठीक है? वहाँ ठीक है, गॉन का आंसर राइट है। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉट डिफाइनिंग बिकॉज ओनली ह्यूमंस आर द अवेयर ऑफ देमसेल्फ। बिल्कुल यू आर राइट सिटी, ठीक है? तो चलो सेंस और रिस्पॉन्स करना काम है, ठीक है? ह्यूमन बींग ही अवेयर होते हैं, बाकी तो अवेयर होते नहीं है। तो चलो ठीक है, हमारा ये पार्ट समाप्त हो गया कि लिविंग एयर, व्हाट इज लिविंग, क्यों लिविंग है, ठीक है? ये पार्ट हम लोग का समाप्त हुआ। अब एक बहुत प्यारे साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मायर, ठीक है? अर्नस्ट मायर, तो अर्नस्ट मायर साहब को 20th सेंचुरी का हम लोग डार्विन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों? क्योंकि यार अर्नस्ट मायर साहब जो थे ना, मतलब तो उन्होंने कुछ अद्भुत काम ही ऐसा किया, ठीक है, कि उनको हम लोग कहना पड़ा कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अगर दुनिया में टॉप 100 हम साइंटिस्ट का नाम लिखे और टॉप 100 साइंटिस्ट का एक लिस्ट बनाए रखे, तो हम लोग उसमें से अर्नस्ट मायर को बाहर नहीं रख सकते, ठीक है? तो उनको मतलब बायोलॉजी का जो भी मतलब मुख्य अवार्ड होता है, उस सारा अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। तो चलिए उस मुख्य अवार्ड का जो 3 अवार्ड है उसका नाम दे, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़े इस पर चर्चा कर रही है, तो एक बार बता दीजिए। हालांकि नीट में आने के चांसेस कम है, तो इसको काट भी दीजिएगा, ठीक है? क्लासिफिकेशन डिफाइनर, बिल्कुल ठीक है। तो अंश मार का थोड़ा सा आप 3 अवार्ड का एक बार नाम बताइए और बात खत्म कीजिए यहीं पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिक एंड ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो अर्नस्ट मायर ने जो 3 अवार्ड जीते थे बायोलॉजी के दुनिया में, उस 3 अवार्ड का नाम था, एक था बाल्जन प्राइज, ठीक है, एक बाल्जन, और एक बाल्जन था और एक था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, इस तरह से करके कुछ था, ठीक है? और एक मैं भूल रहा हूँ, तो एक आप लोग बता दो अगर याद हो तो। हाँ बाल्जन और इंटरनेशनल तो आंसर आ गया, तीसरा मैं खोज रहा हूँ, तीसरा मैं मेरे माइंड से उतर रहा है। बाल्जन नूर का आंसर है क्रूफार्ड, क्रूफार्ड बाल्जन, बिल्कुल ठीक है आपका, शायद आई थिंक क्रूफार्ड एक था ना, हाँ क्रूफार्ड प्राइज स्वीटी का भी, बाल्जन क्रूफार्ड एंड इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज, ओके सुपर, ठीक है। मैं तीसरा यही बोला था ना, आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि इट्स मे बी रॉन्ग। ओके तो चलो अब हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी का जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि मतलब कितना स्पीसीज पाया जाता है धरती पे, ठीक है? तकरीबन तकरीबन कितने स्पीसीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं बनते हैं, बट मैच द कॉलम में उठ के आ सकते हैं। और यार मजा आया तो ठोको लाइक, और लाइक से ज्यादा आग लगा देना, थोड़ा मुझे भी एनर्जी चाहिए यार, एनर्जी की कमी है। एंड जिन्होंने यार सेशन को लाइक नहीं, सो प्लीज लाइक द सेशन यार, योर एवरी सिंगल लाइक मोटिव। 1.7 to 1.8 कॉमन फिटी, सबके आंसर आने लगे, ठीक है? मिलियंस, ओके ओके गॉट इट, 1.7 to 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख के बीच में, ठीक है? और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम लोग एरिया में आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी इस बात को एक बार लिख रही है कि हम लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में बदलते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? अगर एरिया बढ़ रही है तो स्पीसीज भी, और उस एरिया के अकॉर्डिंग उनका लोकल नेम भी होता है, ठीक है? लोकल नेम होता है, और लोकल नेम्स, और तो लोकल नेम्स है तो इंटरनेशनल नेम भी होगा, तो उस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन किए हैं। तो एक आईसीबीएन है और एक आईसीजेडएन है, तो जो भी बोटेनिकल, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बता दो और आईसीजेडएन का बता दो। तो हालांकि लिखने में टाइम लग जाएगा, दोनों इजी है तो मैं ही बोल देता हूँ। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनिकल्चर, एंड आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनिकल्चर, हो गया बात खत्म। अब बाइनोमियल नॉमिनिकल्चर, बाइनोमियल नॉमिनिकल्चर लिनियस साहब ने दिया था, ठीक है? तो बाइनोमियल नॉमिनिकल्चर किसने दिया था, फटाफट से लिखो, बाइनोमियल नॉमिनिक्लेचर किसने दिया था? आप लोग कमेंट पे ही मेरी नजर है।
इंटरनेशनल बोटेनिकल फॉर नॉमेनक्लेचर। अरे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लिनियस तो क्या, देखो ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है कि इसका एग्जांपल हम उठाते हैं कि किसका, मेंजीफेरा इंडिका आम का यूनिट, तो मेंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो मेंजीफेरा का जो जीनस मेंजीफेरा हो गया, इंडिका क्या हो गया स्पीसीज हो गया, और लिन क्या हो गया साइंटिस्ट का नाम हो गया। तो ये सब में सेपरेटली है, सब सेपरेट है, तो इनके नीचे अंडरलाइन भी हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों को कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। अरे भैया उल्टा हो गया जल्दी जल्दी में। अच्छा ठीक है, इसको हाँ जो भी उल्टा हो गया इसको मैनेज कर लो फिलहाल, ठीक है। तेजवीर पंचाल का भी आंसर लीनियस आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका लिन, नहीं उल्टा नहीं हुआ है यार, मेंजीफेरा जीनस नहीं है क्या? हाँ ठीक है बिल्कुल, कैपिटल कैपिटल होगा ना, ठीक है बिल्कुल कैपिटल होगा। और स्पीशीज का बताइए, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा? सबके आंसर आ रहा है स्वीटी, नूर, जिया, सैली, सबके आंसर आ रहा है, जिया बोलिए होगा। हाँ बिल्कुल जीनस ही होगा ना, ठीक है। गॉन तुम, हाँ तो मैं इंडिका को स्पेसिस ही तो बोल रहा हूँ ना, स्पेसिफिक एपिथीट, तो स्पेसिस ही ना है वो, स्पेसिस को ही ना दिखा रहा है, स्पेसिफिक एपिथीट है बिल्कुल, स्मॉल होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर आ गया, सैली, स्वीटी, नूर, गौहन, ये लोग यार रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इनके आंसर भी सही है, सबके आंसर सही है। और देखो, और साइंटिस्ट का जो नाम है तो उसका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, साइंटिस्ट का नाम चिपका दिया गया है। अब आप चाहो तो यार मतलब कोई नया प्रकार का कॉकरोच दिखे तो आप उसके आगे लिख सकते हो कि मतलब कॉकरोच का नाम लिख दो, फिर जो आपका नाम, और उसके आगे अपना नाम स्वीटी लिख दो, गौहन लिख दो, ठीक है, गौरव लिख दो, कुछ भी जो मन कर वो लिख दो, ठीक है। कुछ भी मिले नया तरह का, एक कोई नया ही आपको इंसेक्ट मिल जाए तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फुल फॉर्म की बात कर रहा था भैया, सॉरी। ओके कोई ना, गौन ठीक है, मुझे समय समझ गया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमिक्स और सिस्टमेटिक, इन सब चीजों पे अब हम लोग को मूव करना चाहिए। और हाँ एक चीज और, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं, पता है लैटिन लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज को हम लोग डेड लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है, और मानते नहीं है वो लैंग्वेज, ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो सके, क्योंकि इंग्लिश में भी यार हमेशा बदलाव आती है, बहुत सारी एक्सेंट इंग्लिश में हमेशा चेंज होती रहती है, बट लैटिन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मतलब लैटिन लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो ये PYQ में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज रिटन इन द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ठीक है, और यदि प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा, हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, एंड नेम ऑफ ऑथर भी लिखा होगा तो रिटन मतलब इंड में होगा, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम लोग मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये PYQ में बना है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन ये मैच द कॉलम में बना है, समझ रहे हैं, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना स्वीटी। ओके 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 ओके, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना स्वीटी, माय गॉड, सैली, समझ रहे हैं, ठीक है, दैट्स ग्रेट यार, ऐसे बस हंसते रहो, बट कॉकरोच का साइंटिफिक नेम देने वाला साइंटिस्ट है कौन? अब है कौन इसका चिंता मत कीजिए, आपको नीट में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता है। वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, स्वीटी ने बता दिया ना, आप स्वीटी का ही नाम याद कर लो, ठीक है, पेरी प्लेनेट अमेरिकाना स्वीटी। ओके दैट्स ग्रेट एवरीवन, दैट्स ग्रेट, ऐसे ही यार थोड़ा हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए और क्लियर होते, सब कुछ क्लियर भी होना चाहिए। तो गाइस क्या है ना कि अब हम लोग बस ज्यादा कुछ बता नहीं, अब हम लोग बस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पे सिर्फ चर्चा करना है, ठीक है, जिसमें हायरार्की आ जाएंगे, कैसे कैसे उनकी आ जाएंगे, फिर हम लोग जो एनसीईआरटी का एक टेबल है वो चर्चा कर लेना है, फिर हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे, चैप्टर हमारी मॉप अप, ठीक है, मेरा भी एक पेज का ये जो है ये समाप्त, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पे हम लोग पहले चर्चा करें, उससे पहले कुछ
कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले जो भी चैनल पे न्यू है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल को देख लीजिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करेंगे। जिस दिन भी चर्चा होगी, जिस दिन भी डिस्कशन होगी, वो पहले ही बता दिया जाएगा। थोड़ा मेरा अभी टॉप डाउन हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब आई थिंक मौसम साथ दे रहा है मेरा, तो अब सब कुछ रेगुलर ही होगा। शुगना हेलो, ठीक है। एंड जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, सो प्लीज लाइक द सेशन, योर एवरी सिंगल लाइक मोटिवेट मी अलॉट। अच्छा, चलो सिस्टमैटिक पे चर्चा कर ले क्या। सिस्टमैटिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेक्सोनॉमिक प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह सकते हैं क्या, और सिस्टमैटिक में आता क्या क्या है ये बताइए। सिस्टमैटिक्स में आता क्या 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 आ जाएगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके आगे आप बताइए। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक में क्या क्या आता है उसका बता दीजिए। टेक्सोनॉमी प्लस पहले जेनेटिक रिलेशनशिप, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी लोअर, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है। नहीं, अच्छा, सैली को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके आगे नॉमेनक्लेचर, देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। सब कुछ सही है। जिया ठाकुर मेरे आगे बताती, मैंने जहां से छोड़ा था वहां से उसके आगे बता दिया, ठीक है। चलो, दैट्स ग्रेट, सुपर। तो अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम लोग आ जाते हैं गाइस, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आते आते हम लोग सबसे पहले स्टेप्स जानेंगे। तो चलिए बताइए, सबसे पहले आप लोग बताइए स्टेप्स क्या क्या हैं टेक्सोनॉमी हायरार्की में। अरे कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, कोई ना। कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, कुछ इस तरह से कोई कैसे भी याद करता है, ठीक है। तो कीप प्लेट क्लीन मतलब किंगडम से लेकर हम वहां तक चले गए, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हम लोग जब मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपने तरीके से पढ़ा, कोई अपने तरीके से पढ़ा, तो सुनना ध्यान से। किंगडम से जब हम स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। When we move from the kingdom to species, the common character increase की decrease। Kingdom से species की तरफ, kingdom से species की तरफ हम जा रहे हैं, तो increase कर रहा है कि decrease कर रहा है। Answer आने लगा increase, 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 increase। Superb। और वाइस वर्सा कर देंगे, ठीक है। अब वही हम लोग जीनस से किंगडम की तरफ आ रहे हैं, स्पेसिस से किंगडम, किंगडम से स्पेसिस की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किंगडम से इंक्रीज कर रहा है, और किंगडम से और स्पेसिस से किंगडम की तरफ आ जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो, सबका एक नंबर आंसर है यार, किसी का गलती नहीं हो रहा है यार, किसी का गलती नहीं हो रहा है। माय गॉड, फटाफट से बनाया हूँ यार, 1-1.5 घंटे में मैंने ये सब बनाया, ठीक है। आज बिल्कुल भी मतलब मैं बनाया ही नहीं था,
चलो सबका आंसर आ गया, या 22 वर्षा। 22 वर्षा एक याद रख लो और दूसरे को 22 वर्षा कर दो, ठीक है। एक याद रख लो कि when we move from the spaces to kingdom, the similarities decreases, 22 वर्षा। when we move from the kingdom to spaces, kingdom to spaces, the similarity increases। लिविंग वर्ल्ड है भैया, हंसो मत, चैप्टर इज कॉन्सेप्चुअल, हंसो मत, ठीक है। हर चैप्टर देखो, लिविंग वर्ल्ड और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको मजाक में ले सकते, चैप्टर इज कॉन्सेप्चुअल, लिंकेज है यार, चैप्टर का लिंकेज है, कॉन्सेप्चुअल, ऐसा कुछ नहीं है यार। किसी भी चीज को लोग मजाक में नहीं लेना, एक क्वेश्चन भी यार मैटर करता है, 4 नंबर भी मैटर करता है। हम लोगों ने जितना चर्चा कर लिया अब तक, उसी में से 4 नंबर फंसने वाला है। और हम लोग होप करेंगे कि यार जितना हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसी में से 90 आउट ऑफ कम से कम 70-80 तो फंस ही जाए, और फंस जाएगा यार, क्योंकि इतना पढ़ाई सबको ही कर ही रहा है, पढ़ाई कोई भी कम नहीं कर रहा है, सब कोई अच्छा पढ़ रहा है, थोड़ा चर्चा हो ही जा रहा है। एंड दिस इज इनफॉर्मल टॉक्स, आई एम नॉट टीचर, यू आर नॉट टीचर, कोई किसी को यहाँ जज नहीं कर रहा है, बस ऊपर नीचे करके कैसे भी करके हम लोग डिस्कस कर लेना है। वही 11th का फर्स्ट चैप्टर में जोश बहुत रहता है पढ़ने में। एक बात पता है, मतलब चलो टाइम है हम लोग पास, तो थोड़ा एक दो मैं बात बताता हूँ कि जानते हो श्रुति गौहन एंड एवरीवन, सबको मैं एक बात बताता हूँ। चिया क्या हुआ ना कि इस मतलब क्या हुआ था कि पिछली बार जब स्टार्ट किया था ना फर्स्ट टाइम पढ़ाई, तो ऐसे ही लिविंग वर्ल्ड में बहुत मजा आया, धीरे धीरे मैं गिर गया। तो इस बार मैं क्या क्या सोचा था मैंने कि जैसे ही मतलब मैंने तय किया कि चलो ठीक है फिर से एक बार और प्रिपरेशन करते हैं, तो इस बार मैंने सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी उठाया, जब मतलब यकीन 2.0 स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले प्लांट फिजियोलॉजी उठाया। और मैंने पहले कहा कि देखो पहले जो स्टार्ट करो उसमें बड़ा मजा आता है, चाहे जो करो, प्लांट फिजियोलॉजी करो, मार्फोलॉजी करो, एनाटॉमी करो, आप देख लेना, पहले कर लो कोई भी चैप्टर प्रिपरेशन के बाद, ठीक है, वो आपका पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो इस बार मैंने प्लांट फिजियोलॉजी उठाया था, ठीक है, पिछले साल वाला ही बैच को देखा और प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में धक 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 कर दिया, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी इस साल स्ट्रांग हो गया, तो इस आइडिया को मैंने इस पर अप्लाई कर दिया था। ओके, जो भी चैनल पे न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम टेबल को देख लो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करेंगे। हम लोग का लाइव स्टडी लाइव विथ मी सेशन वैसे ही चलेगा अपने टाइम पे, एंड टाइम टेबल में स्लाइटली चेंज है, तो 9 बजे से मॉर्निंग में सेशन है हम लोग का। मैंने फिजियोलॉजी किया क्योंकि मेरा वो वीक था। हाँ तो यही होता है यार, जो पहले उठा लोगे ना उसमें मजा आ जाता है, ठीक है, पहले जो उठा लो टेंशन नहीं रहता ना उसमें। चलो तो मूव करते हैं हम लोग, ये सब हो ही गया। तो अब स्पेसिस में देखो स्पेसिस क्या है, मतलब सब पे एक दो दो लाइन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिस में स्पेसिस एक बहुत ही फंडामेंटल है, जिसमें जिसमें सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होता है कि सबसे कम होता है, जल्दी बताओ। स्पेसिस में सिमिलैरिटीज हम लोग को सबसे अधिक देखने को मिलते हैं कि सबसे कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं, हालांकि हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि सिमिलैरिटी डिक्रीज फ्रॉम द स्पेसिस टू किंगडम, माने कम होते जाते हैं सिर्फ, तो जाहिर बात है कि सिमिलैरिटी स्पेसिस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हालांकि लिखो, तुम लोग लिखो, इस चीज को लिखो, लिखने में मजा आता है ना। हाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम देखने को मिलेगा, वही किंगडम है, तो किंगडम इज द बिगेस्ट फाइलम, तो बिगेस्ट है तो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही जीनस में आ जाओ, तो जीनस में जैसे कि पेंथरा टिगरिस, ठीक है, पेंथरा लियो, ठीक है, तो पेंथरा टिगरिस टाइगर को बोलते हैं, पेंथरा लियो किसको बोलते हैं, लायन को बोलते हैं, और पेंथरा पार्डस लियोपार्ड को बोलते हैं। तो ये सब कुछ एक तरह का ही दिखने वाला है, ठीक है। तो इन सबके जीनस यार कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, सबका पेंथरा 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 टिग्रिस पेंथरा लियो, ठीक है, सब पेंथरा, सब मतलब पत्थर, मोर सिमिलर, ठीक है। तो उसका जीनस के बाद हम आते हैं फैमिली पे, तो फैमिली में देखते हैं, तो मतलब कोई चीज का फैमिली याद आ रहा है, जैसे अरे यार कैट के फैमिली को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ कैट के फैमिली को क्या बोलते हैं। ओ अरे वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, लाइन का बताया ना, तो लाइन का पेंथरा लियो, स्वीटी ने भी वो पिक लगा दिया लाइन वाला, तो मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, शेर शिवाजी तलवार शिवाजी वीर शिवाजी, आई थिंक मराठी सॉन्ग है ना, सूर वीर करके है, ठीक है, आप लोग इस सॉन्ग को एक बार सुनिएगा।
ठीक है, या फैलेडी फैमिली में आता है। ठीक है, सबके आंसर आ गया, सिटी का आंसर आ गया, कौन का आ गया, नूर का आ गया। पत्थर थोड़ी है ना जो पत्थर बोला, थोड़ा नींद सी आ रही थी तो पता नहीं पत्थर क्यों निकल गया। ओह गॉड, ओह गॉड एवरीवन। चलो तो कई दिनों से आप सबके टॉकिंग सेशन भी नहीं हुआ, तो जल्दी से कंप्लीट करो ताकि थोड़ा सा टॉकिंग सेशन भी हो जाए। ठीक है, सबके साथ। हो गया, सबके आंसर आ गया, बस इतना ही आंसर है। आंसर स्वीटी का है, कौन का है, नूर का है, सैली का है। ठीक है यार, पता तो सबको होना चाहिए, सबको पता होगा भी। और सोलेनेसी, ठीक है, तो सोलेनेसी और फैलिडे। ठीक है, अब सोलेनेसी में क्या क्या आता है ये बता दीजिए। सोलेना फैमिली में क्या क्या आता है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एसपीटी, एसपीडी, सोलेनम, पी फॉर पेटूनिया एंड डी फॉर धतूरा। क्या क्या? सोलेनम पिटूनिया धतूरा। ठीक है, एसपीटी, सोलेनम पिटूनिया धतूरा। और ऑर्डर में पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, यूपीएससी, तो हर स्टेट में पीसीएस होता है, तो ऑर्डर में हमसे याद रखना पीसीएस। तो पी फॉर पोएसी, पी फॉर पॉलीमोनियल्स, या फिर क्या बोलते हैं, पी पी से यार मैं भूल गया, तुम बताओ जल्दी। सी फॉर द कॉन्वलेंसी मुझे याद है, एंड एस फॉर द सॉलिड, एस फॉर सॉलिडनेसी भी मुझे याद है। ठीक है, पी फॉर क्या था, पेटूनिया धतूरा, ए डबल ए एल वाले सोलेना। ठीक है स्वीटी, उसका तो आंसर होगा, वहां पे पी फॉर क्या था, पॉलीमोनियल्स था क्या? हाँ पॉलीमोनियल्स ही होगा। ठीक है, एंड कार्निवोरा, डॉग एंड कैट, ये सब हो गया, पी फॉर पोल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया, कौन का आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। और फाइलम या फिर डिवीजन, में डिवीजन हम लोग प्लांट के लिए प्रयोग करते हैं, फाइलम हम लोग एनिमल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, किंगडम जो है वो बिगेस्ट टेक्सोनॉमी है। तो इसी के साथ हम लोग बातों को खत्म करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं वीट पे। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम बताइए फटाफट। पोल्स तो लिख ही रहे हैं, पोल्स ऑर्डर हो गया वीट का, मैं ही बता देता हूँ सबसे पहले। पोल्स इज द ऑर्डर ऑफ वीट, पोल्स इज द ऑर्डर ऑफ वीट, प्लीज टेल मी द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। के साथ थोड़ा बातों को खत्म करते हैं, कौन पॉलिनोमियल्स होगा उसका, पॉलिमोनियल्स। पोल्स इज द ऑर्डर ऑफ वीट एंड टेल मी, प्लीज टेल मी द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। सबसे पहले आंसर स्वीटी, सैली, आते जाएगा, सब लोग आंसर लिखते चलिए, मैं नाम बोलते चलता हूँ। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सी द टाइम टेबल, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग का डेली का स्ट्रीम होगा। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट पिछले मंथ दिसंबर में मैं बोला हमेशा हूँ कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम होगा, बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम एक बार आप लोग बोल दो। अरे बोलो तो सही यार, जो रेगुलर हो वो तो बता सकते हो, जो रेगुलर नहीं है, जो कभी मतलब जो न्यू न्यू है उनको थोड़ी पता है, जो रेगुलर है उनको पता है ना कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम नहीं हुआ है। जो कमी है गाइस उसको स्वीकार करना ही चाहिए हम सबको। ठीक है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से ना हो पाएगा कि क्या मिलेगा यार, हो पाएगा यार, फिटी ऐसे नहीं, मैसेंजर हियर नहीं होता। अरे अब होता है, 2 दिन से हो रहा है। ठीक है, ऐसे मत बोलो, ऐसे आप लोग बोलोगे यार तो मेरा कॉन्फिडेंस एक तो ऊपर गया, फिर से बेधड़ाम से नीचे, फिर कहीं बुखार उखार जब कर लिया ना तो दूसरा ही हो जाएगा। एक तो वैसे ही मतलब छुई मुई की तरह मेरा शरीर बन गया इस ठंडे में, माई शरीर इज एक्ट लाइक व्हाट वी कॉल इट यार, छोड़ो इसको, नहीं होगा। रूल्स आर मीट टू बी ब्रोकन,
ओ माय गॉड, जिया ठाकुर, रूल्स आर मेड टू बी तो ब्रोकन, नूर फातिमा, रेगुलर हाल्स 3 डेज, गोहन, गिब्रेनेशन, कितने चले गए। रेगुलर रेगुलर है लास्ट 3 डेज से, ठीक है, अब हमेशा होगा। तो चलो, वीट का हो गया, वीट का जीनस बता दो। आई थिंक वीट का जीनस ट्राइटिकम होता है, ठीक है। वीट का ऑर्डर पोल्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वीट का क्लास मोनोकॉट होता है, और वीट क्या है, एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है, जल्दी बता दो। तो एंजियोस्पर्म है, आई थिंक सबको ये पता होगा ये जानकारी, ठीक है। और फैमिली क्या है, तो फैमिली एक आप बता दो, फैमिली एक आप बता दो, हंसी मजाक हो गया, फैमिली एक आप बता दो। जिया ठाकुर बोलते कोई ना, हम नीट फोड़ेंगे रेगुलर होकर। नहीं, रेगुलर होकर ही फोड़ेंगे। मतलब देखो, अब ऐसा नहीं है, इसका गलत मीनिंग मत लेना। मतलब भले बेड पर ही सोकर, मतलब मैं अपनी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर रहा था, ताकि मतलब मैं बना रहूं यार, बाहर ना हूं। नहीं तो जितना जितना दिन ये ठंड में मुझे ठंड ने मुझे पटका है, अगर उतना दिन इंसान पढ़ाई छोड़ दे तो कॉम्पिटिशन से ही बाहर ना हो जाए, ठीक है। बहुत परेशान किया है ये ठंड मुझे इस बार, बस थोड़ा मोड़ा हो चल रहा था, ठीक है। एक तो वैसे ही यार आज के डेट में सब कुछ में तो है ही जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, बस अपना काम करना है। पोएसी सब कैंसर आ गया, ठीक है। स्वीटी कैंसर आ गया, नूर कैंसर आ गया, सैली कैंसर आ गया। नूर आपने दो दो तीन, अच्छा 2 बार, एक बार स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया ना। जिया कैंसर आ गया, गौहन कैंसर आ गया, ठीक है। तो अब बताओ, हाउसफुल 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 हाँ, 9 बजे से सिटी कर दिए हैं, टेंशन मत लो। 9 बजे से कर दिए हैं, या जिया जिया जिया, आई गॉट इट। मुझे पता है आपने कहा इरेगुलर होकर, अरे मुझे पता है यार, कोई जरूरत नहीं है आप लोग एक्सप्लेन करने का, मुझे पता है। यू ऑल आर सुपर, मोस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और जीनस बताइए, हाउसफ्लाई का जीनस, हाउसफ्लाई का जीनस, जीनस ऑफ द हाउसफ्लाई, जीनस ऑफ द हाउसफ्लाई मोस्का, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मोस्का डोमेस्टिका हम बोले हैं तो जीनस मुझे पता ही है, मोस्का डोमेस्टिका। ऑर्डर ऑफ द हाउसफ्लाई, ऑर्डर ऑफ द हाउसफ्लाई, ठीक है। ऑप्शन दे दे क्या, पेरीमीटा, पेरीमीटा, ऑर्डर ऑफ द हाउसफ्लाई, पेरीमीटा, एम आई राइट? लिखो सब फटाफट लिखो, ऑर्डर ऑफ द हाउस पेरीमीटा। तो अगर हाउसफ्लाई का ऑर्डर पेरीमीटर है, तो मैन का ऑर्डर क्या है? डेफ्थेरा, इंसान को डाल दिया जाए क्या डेफ्थेरा में? ठीक है, सब कैंसर सही है, ठीक है। स्वीटी का सही है, कौन का सही है, सब कैंसर सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो सब पे डिस्कशन हो ही गया। अभी कुछ छूट रहा है, मैंगो छूट रहा है। तो मैंगो का मतलब, मैंगो का हम लोग, मैंगो तो पता ही है, मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर बता दो, एक ऑर्डर बता दो, फैमिली बता दो। तो फैमिली आई थिंक एनाकार्डियेसी, मैं सही हूँ? हंस लो यार तुम लोग, ठीक है। फैमिली एनाकार्डियेसी, ठीक है, शायद मैं सही हूँ, ठीक है। और फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर बता दो एक, ठीक है। ऑर्डर मैं भूल रहा हूँ, ऑर्डर आप लोग बता दो, जल्दी बताओ। मैंगो का ऑर्डर बताओ फटाफट से मैंगो का ऑर्डर बताओ, नहीं तो मैं चीट कर लूं क्या, मैं देख लूं क्या कॉपी में अपने, आप बता रहे हो कि मैं कॉपी देखूं। मैंगो का ऑर्डर जल्दी, मैंगो का ऑर्डर, या फिर मैं चीट करूंगा। बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एक पेज पलट देना है मुझे, ठीक है। यहाँ टॉपिक लिखे हैं तो वहां पर पलट देंगे, ठीक है। एस्पेंडेलिस, चलो सही है, चलो सही सही सही। तो स्वीटी का आंसर आ गया, नूर का आंसर आ गया। अच्छा, ये लोग चीट करने के लिए मुझे प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि अच्छा यस यस पलट लो पेज। सैली, नूर, यस बोल दी कि पेज पलटो आप आराम से। गॉट इट एवरीवन।
सो गाइस इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्ट्रीम अपने टाइम पे ही चलेगा, अब मैं ठीक हूँ और अब मौसम भी थोड़ा मोड़ा मेरा साथ दे रहा है, ठीक है। तो और आप लोगों ने प्यार अपना बनाए रखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंकफुल कि आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहे और बहुत हेल्प किए, ठीक है। कांच आइस में हाफिक डाल तरूं सर, आप बिल्कुल बिल्कुल फिट है। ओके सो अब हम लोग लास्ट टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स को देखेंगे। टेक्सोनॉमिकल एड्स को देखने के बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। टेक्सोनॉमिकल एड में हम लोग किस किस चीज को देखते हैं, एक हर्बेरियम को देखते हैं, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क को देखते हैं, बोटेनिकल गार्डन को देखते हैं, म्यूजियम को देखते हैं, की को देखते हैं, की के बाद फाउना फ्लोरा मोनोग्राफ, ठीक है, कैटलॉग, इन सब चीजों को देखते हैं और यहीं पे हम लोग अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो लीजिए, समाप्ति की तरफ जा चुका है चैप्टर। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेंगे और हम लोग बंद करेंगे इसको, फिर हम लोग स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा यार स्ट्रीम पे तुम लोग अब आया करो, ठीक है, आओ और थोड़ा सा लाइक लाइक बिल्कुल दबा दिया करो, आते आते पहले लाइक दबाया करो, क्योंकि जितना लाइक होगा उतना चैनल को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब थोड़ा इन चीजों एल्गोरिदम को देखता है, ध्यान देता है। अब मैं भी लूंगा यार, गोहन और ये गोहन हमेशा रहते हैं, ठीक है, जिया भी हमेशा ठीक ठाक रहती हैं, नूर भी ठीक आ ही जाती है, स्वीटी भी रहती है, स्वीटी भी थी, और ये मैसेंजर हियर हमेशा रहते हैं, सुनेहा सुहाना हमेशा रहते हैं, जिया ठाकुर हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन की फाउना फ्लोरा, बहुत कुछ, क्या डायलॉग है जिया, बहुत कुछ सुपर, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। तो चलो आ जाओ, चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोले, सबसे पहले बताओ हर्बेरियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मुझे पता नहीं, तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई ना, सुनेहा सब चलता है, वैसे मुझे पता है आपको सब याद होगा, ठीक है, और रिवीजन अच्छा हो ही गया होगा, सब टॉपिक पे तो बात हो ही गया। मत्ती हूँ पटने टाइम या स्वीटी, या मुझे पता है हर्ष, हेलो भाई कहाँ है टाइम टेबल, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेस में, ठीक है, एक नंबर। तो हर्बेरियम में क्विक रेफरल सिस्टम भी हम लोग हर्बेरियम को कहते हैं, मैं इसके पीछे की घटना बताता हूँ। क्विक रेफरल सिस्टम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये हम लोग को फटाफट से रिकॉल करवा देता है, जल्दी जल्दी हम लोग को चीज ढूंढ देता है। जैसे कि हम लोग डिक्शनरी में, जैसे कि अब हमको डिक्शनरी में कोई वर्ड तलाशना हो कि गौरव का अर्थ क्या है, गौरव का मतलब क्या है, तो गौरव सबसे पहले हम जी पे जाएंगे, जी के बाद हम ए पे जाएंगे, ठीक है, ए पे जाते हम लोग को यू आर ए भी फटाफट मिल जाएगा। उसी तरह हर्बेरियम में होते हैं सब कुछ सीक्वेंस, तो इसीलिए हम लोग क्विक रेफरल सिस्टम के भी नाम से जाते हैं। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है, हर्बेरियम हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है। भैया मैं एक मंथ से बेड रेस्ट पे हूँ भैया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, जॉन्डिस हो गई है, हर समय बात करता हूँ आपसे, ठीक है, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप ठीक रहो और बेहतर हो जाओ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी रहना यहीं फिर हो, बस अब एंडिंग ही है चैप्टर। इंफॉर्मेशन ही हम लोग को डेट के बारे में देती है, प्लेस कौन सा स्थान पे था, ठीक है, इसके बारे में देती है, किसने कलेक्ट किया वो देती है, कौन से स्थान पे कलेक्ट हुआ ये देती है, फैमिली के बारे में देती है, साइंटिस्ट का नाम बताती है, ठीक है, और जो इन्होंने कलेक्ट किया उसको वही कलेक्टर नेम और साइंटिफिक नेम, मतलब साइंटिफिक नेम भी बताती है और कलेक्टर नेम भी बताती है, ठीक है। हर्बेरियम के बाद बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, सबका आंसर आ गया, अच्छा मेरा आवाज आप लोगों तक लेट जा रहा है क्या, क्योंकि बहुत का रिप्लाई लेट आ रहा है, आप लोग देख लो, आई थिंक कि बहुत पीछे भी हो सकते हो, करंट में आ जाओ। साइंटिस्ट नेम, बायोलॉजिकल नेम, लोकल नेम,
प्लेस ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन एंड फैमिली, गहन कैंसर है। ठीक है, मेरी गलती थी, कोई ना, सैली लोकल नेम, ठीक है ठीक है, सबका सही है। अब चलो ठीक है, बोटेनिकल गार्डन पे आ जाओ। बोटेनिकल गार्डन देखो, बोटेनिकल गार्डन के नाम सुनते ही प्लांट के बारे में हम लोग के दिमाग में आते, तो एक एरिया जहाँ पे हम लोग, मतलब देखो क्या है ना कि हर्बेरियम में हम लोग स्टोर हाउस की तरह, ठीक है, स्टोर हाउस की तरह हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं, सीट पे रखते हैं, तो नॉन लिविंग की बात करते हैं। बट जब हम बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो एक एरिया में हम लोग, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बहुत बहुत मतलब बीघे बीघे में होते हैं, मतलब एक कड़ के, मतलब बहुत बड़े क्वालिटी है बोटेनिकल गार्डन दिया। आप लोग देखे भी हो, मैं दो तीन बोटेनिकल गार्डन गया हूँ, मैं मतलब दिल्ली में भी गया हूँ और पटना वाले बोटेनिकल गार्डन में। तो पटना वाला तो कुछ खास नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बट दिल्ली वाला तो यार चलते आप रह जाओगे, ठीक है, बड़ा मजा भी आता है। सब पे लिखा भी होता है कि कौन क्या है, उनके स्पेसिस पूरे पूरे बात बारे में बताया होता है। तो वहाँ पे यार जो मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं ना, वो लोग अक्सर मतलब वहां जाते आते रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले। तो ठीक है, इतना हम चर्चा नहीं करते हैं, और मतलब बोटेनिकल गार्डन वही साइंटिफिक नेम भी मिल जाता है, लोगों को फैमिली का जानकारी भी मिल जाता है, और एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन, आई थिंक रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है ये बता दीजिए, और उसके बाद ये बता दीजिए कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, ठीक है। एक NBR, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो NBRI आई थिंक लखनऊ में। चलो सबके ऐसे म्यूजियम म्यूजियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबका आंसर सही आ गया, म्यूजियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। म्यूजियम में हम लोग प्लांट स्पेसिमिन को प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर रखते हैं डेड प्लांट स्पेसिमिन को म्यूजियम में, मरे हुए को ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, मार के पिन भी कर देते हैं, तो मन करे तो मार कर पिन भी कीजिए, लेकिन यार ये हम लोग मतलब हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लार्ज एनिमल को, लार्ज एनिमल को हम लोग कैसे रखते हैं, देखो छोटे एनिमल को तो मार कर पिन कर दोगे आप, मारोगे और पिन कर दोगे, सीट में लगा दोगे, ठीक है, बट लार्ज एनिमल को कैसे, जैसे हाथी को, तो हाथी को कैसे करोगे, हाथी को, हॉर्स को, घोड़े को कैसे करोगे, तो इनको हम लोग स्टफ्ड करके प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब ताकि इनका स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन आने वाले यहाँ से है नहीं, ठीक है। मूव करते हैं, जू में आ जाते हैं, जू इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है क्या, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स, जू इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल केप्ट इन दी ह्यूमन केयर। अरे हाँ, सबको आंसर पता था, स्टफ्ड करते हैं मैं, स्वीटी का भी आंसर है, सुनेहा का भी आंसर है, ठीक है, नूर का भी आंसर है, गौन का भी आंसर है, ठीक है भैया, क्या 6 लेक्चर डेली देखना पॉसिबल है इन 3 मंथ, IITian बॉय, मतलब PW पे तो यार नहीं पॉसिबल है, आइडियली बात करो तो, लेकिन यदि यार इंसान पागल हो जाए और 11 11 10 घंटे आप लेक्चर देखो और 5 घंटे में रिवीजन मारो फटाफट, तो 3 महीने में हो जाएगा और 1 महीना आप रिवीजन को दे सकते हो, ये सब आप अभी मत सोचो, अभी आप आराम से पढ़ाई करो, आप अभी 11th में हो। अच्छा हाँ, फॉर स्टडीज ऑफ एक्स से टू का ये कंजर्वेशन फॉर टूरिज्म जू, या बिल्कुल, तो जू कौन कौन गया यार, जू कौन कौन गया जरूर बताना, और जो जो जू गया है अपने जू के एक्सपीरियंस को शेयर भी करना मेरे साथ, थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ घूमने का भी मजा ले ले। मैं यार आज तक किसी चिड़ियाघर में नहीं गया हूँ, मैं आज तक किसी भी जू में नहीं गया हूँ एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है यार, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, मैं जीवन के पहला जू में जाना चाहता हूँ एक्सेप्ट दिल्ली, तो पहली बार मैं जू जाऊंगा एक्सेप्ट दिल्ली। तो चलो की पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक सेट टू मीन्स होता है कि मतलब बाहरी रख रखाव में, ठीक है, जिस चीज को कंसर्व किया उसको एक सेट टू, ठीक है, इन सेट टू इंटरनल हो गया, ठीक है। सिटी आप इसको थोड़ा लिख कर समझा दीजिए अच्छे से, एक से टू और इन से टू को।
मतलब देखो जैसे लिखना क्या है, मैं ही समझा देता हूँ। मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उनको एक कंडीशन उनका दिया जाए और वहां पे रखा जाए, दैट इज ओनली एक सेटू। और इन सेटू में बस वही, मतलब एक नेचुरल कंडीशन, जैसे कि अब शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो जंगल से निकाल कर आप उनको एक एरिया में ला दिए, ठीक है। तो वो एरिया क्या हुआ, एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा जिसको आपने जूलॉजिकल पार्क कह दिया, ठीक है। तो लेकिन आपने उसका सारा कंडीशन उसको देने का कोशिश किया, तो दैट इज नोन एज एक सेटू। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब ह्यूमन केयर वहां पे एक केयर टेकर होता है, एक वीडियो वायरल हो रही थी यार, केयर टेकर को एक शेर खींच कर ले गया। सुनेहा आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत कि मैं फिर से बताऊं इसको, एक सेटू और इन सेटू को, और इन सेटू बस उसी का वाइस वर्सा हो जाता है, गॉट इट। एक बार मैं फिर से बताऊं या फिर आप समझ गए? इन सेटू का एग्जांपल, इन सेटू का एग्जांपल वहीं से हो गया ना, कौन कौन, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ ही सब। जिया कुछ कह रही है क्या, इसलिए आप हंस रहे हो मेरी मम्मी के लिए, तो हम जू के एनिमल्स। ओ माय गॉड, मैं अपडेट कर दूंगा, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, 10 ERPYQ मैं अपडेट करवाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं फोटो ले लेकर मैं डाल दूंगा, आप इसका टेंशन मत लो। थोड़ा टाइम दो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने अंकित भाई से रिक्वेस्ट भी किया, दो चीज पे मैं काम करवाऊंगा, 10 PYQ को भी मैं मतलब चैप्टर बाई चैप्टर में डाल दिया करूंगा, ठीक है। और या फिर आप 32 ERPYQ डाउनलोड कर सकते हो यार, ऐप पे जाओ और डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ, फ्री में अवेलेबल है 32 ERPYQ, उसमें से आप 10 ईयर का लगा लेना, बात खत्म। अरे कोई नहीं, यहाँ भी जो रिलेटेड टॉपिक है यहाँ भी चर्चा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो चलो की पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो की में एक बड़ा, एक की में बी बेस्ट ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कपलेट लेड, ठीक है। तो व्हाट इज कपलेट एंड व्हाट इज लेड, इसको जल्दी से बताओ, कपलेट और लेड। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स क्या होता है कि अपोजिट कैरेक्टर, ठीक है, अपोजिट पेयर, नॉट कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स अपोजिट पेयर। तो अपोजिट पेयर रिटन इन पेयर, दैट इज नोन एज कॉपलेट। एंड कॉपलेट में एक चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं एक स्टेटमेंट को, और एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। द एक्सेप्टेड स्टेटमेंट इन द कॉपलेट दैट इज नोन एज लेड, तो ईच स्टेटमेंट इन की दैट इज नोन एज लेड। एम आई राइट या एम आई रॉन्ग? अगर मैं गलत हूं तो रॉन्ग लिख दो, राइट सही हूं तो राइट लिख दो। मैं थोड़ा इसको लॉजिकल तरीके से बोला है, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट इज लेड, मैं सही था कि मैं गलत था, लिख दो एक बार, यस नो, ठीक है। और अब मैनुअल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मैनुअल क्या है, मैनुअल क्या है, मैनुअल इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो मतलब मैनुअल क्या है, प्लांट एंड एनिमल का इंफॉर्मेशन फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। मैनुअल का मोनोग्राफ, हे भगवान, मोनोग्राफ किसी एक टेक्सोन का हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। टेक्सा सिंगुलर शब्द हो गया, टेक्सोन प्लुरल शब्द हो गया, तो टेक्सोन प्लुरल हो गया। तो आप देखिए इस चीज को ध्यान रखना है कि मोनोग्राफ जो है किसी एक टेक्सोन का पूरा इंफॉर्मेशन देता है, फ्लोरा 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 हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है। और कैटलॉग, कैटलॉग यार इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया है कैटलॉग से, तो अब आने की उम्मीद भी मत रखिए। कैटलॉग के बारे में आप इतना ही जानिए कि कैटलॉग इज ए टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड, इससे क्वेश्चन नहीं आया है और आने जा भी नहीं रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन कैटलॉग का एक्सटेंट हो गया या फिर एक्सटेंट होने वाला है, उन सब चीजों के बारे में स्टडी जो हम लोग करते हैं कैटलॉग में करते हैं, और उनको हम कैटलॉग में रखते हैं।
लेकिन आप इतना ही जानिए, कैटलॉग इज द टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एरिया, आने वाला नहीं है, ठीक है। मैनुअल तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया, मोनोग्राफ क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनी वन टेक्सन फ्लोरा हैबिटेट एंड डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज इन द गिवन एरिया, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग का एंड हुआ, बेहतरीन तरीके से हम लोग का चैप्टर एंड हुआ, यहीं पे हम लोग चैप्टर को रहने देते हैं। थोड़ा मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, अब आप लोग बताओ किसी को कुछ कहना है, कुछ शिकायत है तो आप लोग फटाफट शिकायत करो, ठीक है। मेरे बारे में किसी को कुछ कहना हो, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे कोई शिकायत हो, तो आप लोग रख सकते हो अपनी बातों को। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना स्टार्ट करो, आपकी जो भी शिकायत है मैं सारे शिकायत को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। और इस ठंड में यार, मतलब 31 दिसंबर तक की सीन ये है कि 31 दिसंबर तक को मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बाल हटाऊंगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों से बोल रहा था कि 15 जनवरी के बाद ही मैं हटाऊंगा, ठीक है। बट द रीजन बिहाइंड इट कि यार मैंने डिसीजन लिया 1 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पे ठंड उतनी नहीं थी, बट 1 जनवरी के बाद में अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई कि पूछो मत। और मुझे बाल कटवाने में एक खराब डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, कि मैं 1 जनवरी के दिन बाल, मतलब 31 दिसंबर के दिन बाल मैंने हटवाया, और उसके वजह से मुझे ठंड लगी, अदरवाइज इज एंड एवरीथिंग फाइन। हाँ मैं भी चलूंगा केरल स्वीटी, ठीक है। एंड भैया रेप्लिकेशन भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का या नहीं, रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन हर जगह रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कि रेप्लिकेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, होता है। रेप्लिकेशन को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, अगर कोई को मतलब मेरे बात पे प्रॉब्लम लग रहा है तो वो थोड़ा अपना डिफिनेशन के साथ बता दे, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन यार नॉन लिविंग थिंग्स में तो नहीं होता है ना किसी भी कारण से, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेशन होता है तब, बैक्टीरिया में भी होता है, ये सब में होता है, ठीक है। तो और नॉन लिविंग में रेप्लिकेशन होता है क्या? नहीं होता है, तो रेप्लिकेशन को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी टेंशन हो रहा है, कुछ लोगों का तो सिलेबस भी खत्म हो गया। अरे टेंशन नहीं लेना है यार, ठीक है। तुमको मैं एक कहानी बताता हूँ, टेंशन थोड़ा दूर हो जाएगा। ऋतिक सर एक पीडब्ल्यू पे टीचर है, ठीक है। अच्छा गौन रोल नहीं होता है, ठीक है। ऋतिक सर एक पीडब्ल्यू पे टीचर है, तो वो क्या बता रहे थे कि एक बच्चा आया, उनको मैसेज किया, ठीक है। ऑल लिविंग, हाँ ठीक है, मतलब नूर के हिसाब से भी होता है, मेरे हिसाब से भी होता है, ठीक है। एंड तेरा कितना हुआ है सिलेबस? भाई मेरा सिलेबस पिछले ईयर कंप्लीट हो चुका है, बट मैं इस साल भी 1.2 से कंप्लीट कर रहा हूँ, पीछे भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मतलब जब भी टेस्ट होती है मेरी ऑफलाइन फुल सिलेबस टेस्ट, तो मैं पिछले साल की कॉपी से रिवीजन करके मैं जाता हूँ देने, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है। मतलब एक मैं ड्रॉपर हूँ, मैं थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है। नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट यार मैंने ऐसे ही दिया था, पिछला अटेम्प्ट मैंने पढ़ाई करके दिया था, और मैं तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारी कहानी को बता दिया। अच्छा यार गोहन तुम क्या इंसान हो यार भाई, तुम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है रेप्लिकेशन, ऐसे एक बार में लिखा करो तुम, लिख रहे नॉन लिविंग थिंग्स नो नहीं होता है, अब पता नहीं यार। ठीक है ठीक है ठीक, मैं समझ गया, चलो कोई ना, मैं फ्रेशर हूँ, प्लीज लिसन मी, कार्तिक केमर, यू आर फ्रेशर, ओके। कहो कहो क्या कहना चाहते हो,
एंड पहले पहले तो यार सेशन को लाइक कर दो, जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है। योर एवरी थिंग लाइक मोटिवेट मी यार। ऋतिक सर कहते हैं हार्पिक से कुल्ला कर लो सब समझ में आ जाएगा। हाँ तो मैं ऋतिक सर की बात हुआ, ऋतिक सर ने क्या कहा था कि एक बच्चा आया था जब उम्मीद 2.0 स्टार्ट हुआ था ना, उम्मीद, तो उसमें एक बच्चा है उनको मैसेज किया, फ्रस्ट्रेट होकर मैसेज किया कि सर पता नहीं क्या होगा, अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया। सर सर कहें कि ठीक है, उसको ऐसे ही कुछ कुछ सर बता दिए, बोले कि आइडियल कंडीशन दे दिए, बोले कि सर बोले कि यार कितना भी कोई मेहनत कर ले लास्ट के 2 महीने में तो 350 400 से ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रिलियंट माइंड का हुआ तो 500 ठेक देगा, ठीक है, 500 के आसपास चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन, उस बच्चे ने लिटरली 675 मार्क्स लाए। और यार देखो पढ़ाई तो बहुत लोग करता है, मैं भी कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, शुरू से कर रहा था, किसके साथ कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कोशिश करना है, लास्ट लास्ट दिन तक पढ़ाई करना है। ऋतिक सर का स्टेटमेंट था लिटरली दैट बॉय रॉक्स एंड ऋतिक सर सॉक्स, ठीक है, मतलब ऐसा सीन था ना कि ऋतिक सर शॉक हो गए थे। तो यार आज के डेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, बट हाँ उसी के साथ सब परिवर्तन होता है जो कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है, और जीत हार तो पार्ट है यार, लगी रहेगी। मेन थिंग इज दैट कि हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, ठीक है, वी हैव टू ओनली मूव मूव एंड मूव। एंड यू नो अल्टीमेट अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ पता है क्या है, मैं बताता हूँ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज डेथ, एंड डेथ इज द ओनली रियल ट्रूथ, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो कभी कभी पता है कभी कभी मतलब इस बुक को एक यार एक बार आप सबको ही पढ़ना, ठीक है, अपने जीवन काल में कभी पढ़ना, ठीक है, मैं तो हालांकि अभी जब फ्री रहता हूँ तो इसको ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कभी आप लोगों ने मतलब क्या मैं कहूँ आपसे, कुछ बातें मैं कर ही लेता हूँ आप लोगों से आज। कभी आप लोग ने पैर को देखा है, पैर 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 मीन्स चीता, ठीक है, और क्रिमिनेशन ग्राउंड हम लोग कहते हैं इसको, क्रिमिनेशन ग्राउंड हम लोग किसको कहते हैं, जहां पे दाह संस्कार होता है, ठीक है, इसको देखा है, नहीं देखा है तो एक बार ऑब्जर्व करना, ठीक है, चीता को भी ऑब्जर्व करना, पैर को, ठीक है, एंड क्रिमिनेशन ग्राउंड जो कि दाह संस्कार का ग्राउंड होता है, जहां पे मृत इंसान के जीवन का आखिरी राउंड निकल रहा होता है, वहां ऑब्जर्व करना यार, लिटरली जो है ना जीवन आप लगातार देखना, लगातार देखना, चले जाना शमशान घाट में, और कभी चले जाना, नॉट नॉट बैड थिंग्स, एकदम अच्छी जगह है, उससे अच्छी जगह इस दुनिया में कोई नहीं है, भले ही लोग कुछ भी कहे, क्योंकि जीवन का सत्य हमें वहीं से मिलता है। और पता है इतना मोटिवेट आप हो जाओगे ना वहां से आने के बाद कि जीवन में फिर आपको मतलब कोई इंसान दूसरे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फील होगा कि आप उस जगह पे हो। दो तीन को जब देखोगे ना तो आपको ऐसा लगे कि यार घर से सब कोई आता है, ठीक है, एंड आता है और रोता भी है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट इंसान चले गए, बट यार पूरा बॉडी जलने का वेट भी नहीं करता, आधा घंटे के अंदर वहां से वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अब अगला कार्य भी करना होता है। तो द मेन थिंग इज दैट कि जब तक आप हो, जब तक मैं हूं, तब तक ये जीवन है, तब तक ये दुनिया है, गॉट इट। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिर्फ मुझे ही देखो, मैं सब सब किसी से मैं बात करूंगा, हर टॉपिक में बात बात करूंगा, प्लीज यार अभी बिल्कुल अपना टॉपिक पे टॉक अभी फिलहाल मत करो, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉक्स हो गया, निकल ही गई है, तो इस टॉक को पूरा होने दो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का सेंस यही है कि जब तक आप हो, आपकी आंखें खुली हैं, मेरी आंखें खुली है, तब तक ही ये दुनिया है, जिस दिन ये बंद दुनिया भी बंद, समझ रहे हो ना। तो यार हार जीत क्या है यार, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें सिर्फ मूव करना है, ठीक है, हमें मूव करना है, हमें डरना तो बिल्कुल है, बस इसीलिए सारा बात मैं इसीलिए यहाँ पे लेकर आया हूँ कि यार डेथ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, डेथ इज द ओनली ट्रू, डेथ से हमें डरना नहीं है, डेथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेथ आएगी तो जब ये होनी है तो इसका मतलब कैसे जिए, इसका मतलब सो कर नहीं जिए, इंजॉय नहीं कर ले, जब तक हम इंजॉय कौन करने के चक्कर में रहता है जो डरता है डेथ से, डेथ से डरना नहीं है,
डेथ को एक्सेप्ट करना है कि यार ठीक है सबकी आ रही है मेरी भी आ जाएगी, तो अब आज से जीवन को अच्छे से जीना है, मेहनत करना है, हंसना है, खेलना है, ठीक है। चलो इस बात को हटाते हैं, अब आप लोगों की बातों को ध्यान देते हैं। आई थिंक नूर समझ गई, विशाल समझ गया, ठीक है, अच्छा सॉरी गोहन समझ गया, ठीक है, सबने समझ, सब समझ गया, स्वीटी भी समझ, क्योंकि मुझे कुछ ओके मैसेज मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों के मैसेज को देख लेता हूँ। आईटीएल बॉय, तुम्हारे इतना अच्छा मार्क्स आता है, तुम इतना अच्छा मेहनत करते हो, फिर बोल रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, गेन गेन करो अपने कॉन्फिडेंस को, ऐसे तुम नहीं बोल सकते हो, यू आर वेरी गुड बॉय। मरने के बाद स्टार्टिंग टू एंड जो भी हुआ है अर्थ में, ये यूनिवर्स में वो देख पाओ, आप जीते जी ही देखोगे, चिंता ना करो। जैसे जैसे सफर हम लोग आगे बढ़ेगा, क्योंकि आरंभ है नॉट ओनली द चैनल कि यार एक दिन आए और बंद हो जाए, ठीक है, ये तो पूरे लाइफ मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो, जीवन के हर पड़ाव को धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे का चेंज होता हुआ देखेंगे, चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, गिरेंगे उठेंगे, जब गिरेंगे तो आप मुझे उठा लेना, आपको मैं उठा लूंगा, ठीक है, जो कोर है, जो परमानेंट है, जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो वो सब तो याद रहेंगे, जो आगे जुड़ेंगे वो भी याद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो हर सफर को एंजॉय करना है, और धीरे धीरे और भी कुछ जीवन से रिलेटेड चीज, सच्चाई जीवन का, आने वाले 2-3 सालों में मैं और अपने आप को, मतलब थोड़ा कुछ हो जा रहा है ना, जब मैं थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा जब पढ़ाई से, ठीक है, तो कुछ समय के लिए मैं ऑफ लूंगा, ठीक है, उस समय अंकित भी आपके लोगों के साथ एक्टिव रहेंगे हर जगह पे, हर चीजों पे, मैं ऑफ लूंगा, और मैं ऑफ होकर मैं आऊंगा, देन आप लोगों से कुछ मैं बातें भी करूंगा, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, सब कुछ होंगी, देखते हैं आगे क्या और कैसे होता है। वही तो 22 तारीख को यार फुल सिलेबस टेस्ट है, पूरा 11th आ रहा है मेरा, तो 11th का मुझे पूरा एक बार फिर से देखना होगा, एंड 22 को ऑफलाइन टेस्ट है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। भैया अगर मैं अर्जुना और लक्ष्य नीट को अच्छे से फॉलो करूँ तो इनफ है नीट के लिए। कार्तिक पहले तुम ये बताओ कि अभी तुम 11th में या फिर 12th में हो, ठीक है, और हाँ ये चीज बिल्कुल, ये दिस इज ट्रू कि आप अर्जुना और लक्ष्य को फॉलो करो तो दैट इज द इनफ फॉर इट। तो हम लोग इंड करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग को अपने सेशन की तरफ मूव करना चाहिए, डिस्कशन सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत टॉक हुई है, ठीक है। क्लास 11th में हो तो देखो, एक तो मतलब मैं हीट एंड ट्रायल मेथड बोल देता है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, पता नहीं तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुमको कितना समझ में आता है, ठीक है, मतलब ये मुझे नहीं पता है, तो तुम अर्जुना ले लो, एंड दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, आराम से और धीरे धीरे, अगर एक होता है ना टॉपर टाइप का बच्चा, जो जो मतलब मैं नहीं हूँ फिलहाल, ठीक है, जैसे आईटीएन बॉय है, थोड़ा सा तेज इसका माइंड चलता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब फास्टली फास्टली मूव करना चाहता है और करता भी है, तो ऐसे इंसान को मतलब यकीन 2.0 ड्रॉपर का ले लेना चाहिए, और जैसे 11th में हो तो पूरा 11th में ही दो, मतलब 11th में यकीन 2.0 समाप्त करो, और उसी यकीन 2.0 को फिर जब 12th में जाओ तो 2 बार समाप्त करो, ठीक है, 2 बार, लेकिन इसके लिए फिर हाईली डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए, हाईली डेडिकेटेड कंडीशन चाहिए, और हाईली डेडिकेटेड उसके साथ एक माहौल चाहिए, तो ये सब पता नहीं है कि नहीं है, तो इसलिए आप ये रिक्स नहीं लेना, एंड कार्तिक आप बिल्कुल लो, आराम से लो, लक्ष्य और आपका अर्जुना, दैट इज गोइंग टू इनफ फॉर यू, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां भी होता है, तो वहां आराम से करवाई देते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ देना, कोई भी आपका आंसर दे देगा, ठीक है, स्वीटी आप इनका आंसर दे देना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप इनका आंसर कर देना, कौन सा बुक ये यूज करे, ठीक है, कोई भी आंसर कर देना, स्वीटी, नूर, कोई भी, या अंजलि, हेलो आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड हाउ टू स्टडी, यार आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस, यू आर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एंड यू आर आस्किंग मी दैट हाउ टू स्टडी, ओह माय गॉड, ओके, सो कांग्रेस टू यू, सबसे पहले वेरी वेरी कांग्रेस टू यू, आई एम रिप्लाइंग टू यू यार,
ठीक है, बहुत तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब तुम बताओ यार, हम सबको तुम बताओ कि हाउ हाउ यू आर गोइंग टू टैकल, हाउ यू आर गोइंग टू मूव। आई थिंक अगर थोड़ा वीक है तो बेसिक से स्टार्ट करना सही है, नहीं तो ड्रॉपर से, इसलिए 11th बेस्ट है, ड्रॉपर बहुत फास्ट कराते हैं, स्कूल गोइंग के लिए इतना पॉसिबल नहीं। हाँ स्कूल नहीं हो तो मैंने बोला, स्कूल गोइंग के लिए नहीं, स्कूल नहीं हो तो मैंने बोला, आई एम सेइंग लाइक दैट कि यार स्कूल के साथ। ओह माय गॉड, ओ अनिल यार, अनिल यू आर फ्रॉम द, तुम पिछले साल तो ठीक है, सो कौन सा कॉलेज मिला आपको? सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन हो अंजलि, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन हो, ठीक है, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड यू आर गोइंग टू रॉक। तो गाइस हम सबके लिए मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन को लीजिए, प्राप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए और बेहतर तरीके से फिर से स्टार्ट कीजिए अपने स्टडी को, अपने जर्नी को। गाइस यार इस बार मतलब क्या सीन हुआ ना कि तीन तीन कॉलेजेस मैंने मतलब वहां का, कौन सा, एक रमैया, और रमैया का फीस भी है डाउन, मतलब जैसे जिसका नंबर आई थिंक ना 530 के प्लस होता है ना, उसका फी वो डाउन होता है। लेकिन मतलब क्या था ना कि अब यार मतलब मैं लड़कर किसी भी तरह से मैं बोला कि एक बार और मुझे प्रिपरेशन करना है, ठीक है, नहीं तो यार इस बार फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं फिर से बैठ कर मैं तैयारी करूँ, कहीं ना कहीं भेजने के मूड में बन ही गई थी। और मैंने कहा कि ठीक है यार, अल्टीमेट गोल इज नॉट ओनली नीट, सो पहले नीट एक बार मैं चाहता हूँ कि फिर से अच्छे तरीके से कर लिया जाए, दे दिया जाए, ठीक है, उसके बाद फिर मूवमेंट बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, पिछली बार मुझे लगा कि यार एट लास्ट ही मैं ही थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, अदरवाइज 100 नंबर और आ सकते थे, 50-100 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते थे। अरे पढ़ो अंजलि, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई है लाइफ है, ठीक है, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज ओनली स्टडी, ठीक है, नॉट अल्टीमेट ओनली स्टडी, मतलब काम के लायक पढ़ो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो अच्छे से बस पढ़ाई करो। क्या क्या ही टिप्स मैं क्या दू, टिप्स मैं देता हूँ ना, अगले साल मैं आकर देता हूँ टिप्स तुम लोगों को, ठीक है, और सबको यार कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो अब ठीक है, गोहन तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, फिर हम लोग अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं यार, ठीक है, अभी फटाफट तो और भी कंप्लीट करना है। और अजली आया करो, जब आप पढ़ाई किया करो तो स्टडी विथ मी में ज्वाइन किया करो, ठीक है, आ जाया करो और सबको मोटिवेट किया करो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना आप, और कुछ टिप्स वगैरह देना हो तो बच्चों को टिप्स भी दिया करो कि लास्ट के समय में मूवमेंट कैसे रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे दो। क्योंकि देखो मेरा तो यार फेल हो गया, ठीक है, मेरा मैं नहीं दे सकता कि लास्ट के मूवमेंट में आप कैसे मूव करो, क्योंकि मतलब यार मैं 550 के नीचे फंस गया, ठीक है, तो मैं मतलब लास्ट में आप ऐसे मूव करो तो आप 610+ चले जाओ, ये मैं अपना टिप्स नहीं दे सकता, मैं किसका टिप्स दूंगा, मैं सर से सुनूंगा, सर जो बोलेंगे वो चिपका दूंगा, बट अनिल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 620+ आया है तो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 620+ आया है तो आप आराम से बता सकते हो, और नहीं तो मतलब और सबके लिए सब कुछ बता सकते हो, ठीक है, और अंजलि वर्मा तो यार बिल्कुल जनरल कैटेगरी से ही होता, बिल्कुल बता सकते हो भी, आप भी MBBS में जल्दी से आए। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आ रहा हूँ। स्वीटी बोल रही है, फनी चीज मेरे घर के बाहर इतने लोग हैं कि सुबह सुबह इतना से पहले गोहन भैया मेरा मैसेज देख लो यार, कब मैसेज भेज दो, रिवीजन टिप्स दे देना, आप ने पिछले साल भी अच्छा स्कोर किया था, रिवीजन कैसे किया था, थोड़ा प्रोडक्टिव टॉक रहेगा। अच्छा देखो रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होगा ना कि लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाला है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाला है, तो मैक्सिमम शॉर्ट नोट और NCERT को बार बार रीड, ठीक है,
बाकी टेंशन नहीं लेना यार, जो भी होगा जैसे भी होगा हम सबको स्वीकार होना ही चाहिए और हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं। सुनो ना गाइस, अभी हम लोग इस चीज को अभी हम लोग बस इस चीज को यहीं पे टॉक को एंड करते हैं। नेक्स्ट मैं स्ट्रीम को ऑन करता हूँ और सब लोग आप लोग आइए जुड़िए, ठीक है। एंड प्लीज सपोर्ट अस यार, सपोर्टर्स, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट आप लोग की मुझे चाहिए 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 चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, ठीक है। तो एंड जो भी चैनल पे न्यू है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टाइम टेबल को देख लीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। या स्ट्रीम स्ट्रीम अभी स्ट्रीम ऑन होगा, अभी अभी अभी, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ स्ट्रीम में, आ जाओ सबको, ठीक है, तुरंत आओ अभी। जय श्री कृष्ण एवरीवन।